सही समझा ना मैंने उमर साहब? सही जगह है ना? हाँ हाँ शुक्र, सब कुछ ठीक है। कॉफी मशीन है? हाँ, वो हमें नहीं मिली उमर साहब। जो मॉडल आपको चाहिए थी वो लेकर आ रहे हैं, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, वेट कर लेते हैं। अगर आपको अब और कुछ नहीं चाहिए तो मैं इजाजत चाहता हूँ। शुक्रिया। हाँ, कोई गाड़ी मिली मेरे लिए? बेशक सर, मैं वो देख रहा हूँ। शुक्रिया। जान, मैं आ गई। यार क्या करें, हम लोग फिल्म देखें क्या? देखो अब मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारे शूज ना यहाँ होंगे। मुझे चीट किया है तुमने, फिर से चीट किया। क्या बात कर रहे हो यार, तुमसे मुझे प्यार है बहुत बहुत ज्यादा। मैं आ सकती हूँ? आ सकती हैं। वो मैडम आपको ना जरा कुछ बताना चाहती थी काम से रिलेटेड। हाँ बिल्कुल, आइए बैठिए। वो ये एसी का टेम्परेचर ना अगर थोड़ा कम कर दें तो अच्छा होगा, ठंड हो गई है। नहीं, ये कम नहीं हो सकता। मैं आपके लिए ब्लैंकेट मंगवाता हूँ। क्या नाम है? डेफनी। सच में? ओ, नहीं नहीं कुछ नहीं। हाँ अच्छा, मैं बताती हूँ फिर। अभी ऐसा है कि ये लॉजिस्टिक ऑलरेडी मैं संभाल रही हूँ, लेकिन बेशक ये बड़ी जिम्मेदारी है। इस वजह से मैं दिन की ना रिपोर्ट तैयार करती हूँ। मेरे स्टाइल यही है, मैं ऐसे ही करती हूँ हमेशा। ऑलरेडी पता ही होगा, दो मास्टर्स हैं आपके, मतलब ना वो काम ऐसा ही होता है, मतलब ऑलरेडी वर्क के साथ साथ आप समझ जाएंगे। तुम्हारा मतलब मुझे समझने में टाइम लगेगा। कौन? मैं समझ गया हूँ सारी बात। तुम बताओ तुम्हारा रूम किस तरफ है? नीचे, नीचे फ्लोर में। ठीक है ठीक है, सही है। फिर मैं अपना काम कर रही हूँ। आपका काम भी आसान हो। फिर से आपको बहुत बहुत वेलकम। अल्लाह हाफिज। खुशी हुई तुमसे मिलकर डेफनी, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बाय। हाय आंटी, आपने मुझे ये नहीं बताया था कि ये इतना खूबसूरत। नौरोज, कहाँ हैं आप, मिलना है? इस महीने हमारा काम कुछ ज्यादा ही हाई लेवल पे था। बहुत अच्छी बात है, हम उस पे काम करें। सदा मैडम, ये सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हैं। अगले महीने तक हमारा मकसद हर जगह पहुंच जाएगा। ठीक कहा। और हाँ, एंट्री म्यूजिक को भी हटा देते हैं।
ऑफिस वालों को साइट पे प्रॉब्लम होती है जब वो उसमें जाते हैं। सैदा मैडम, वो आ गई। मैं आती हूँ जरा। खाना खाया उसने? हमसे तो नहीं खाया। मेरी जान, कैसी हो? ओ, कैसा रहा दिन? अच्छा, आपका? मेरा भी अच्छा रहा। आपने खाना खाया? खा लिया। दिखाओ अपना पेट, देखते हैं। यहाँ थोड़े कोफ्ते हैं, यहाँ थोड़ी सी मैक्रोनी है, दही शायद नहीं खाया? नहीं खाई। ठीक है, साथ में खाते हैं फिर। स्पून लाना जरा। चमचा? चमचा स्पून। मुँह खोलो। सैदा मैडम, आपका मीटिंग में वेट हो रहा है। 2 मिनट आती हूँ। मैं खिला देता हूँ। मुझे थोड़ा अभी काम है, मैं आती हूँ अभी। ओके अम्मी, ये क्या बात हुई? ओके मेरी जान, आती हूँ। मैं आती हूँ, फिक्र नहीं करो। तब तक मैं चाय पार्टी करती हूँ फिर। ओके, लेकिन दही खाने के बाद। ठीक है। वादा? वादा। चलो मैं आती हूँ जब तक, ठीक है? ठीक है, बाय। लारा, हम इसके साथ बहुत अच्छी तरह खेलेंगे, पता है? मेरे पास एक अच्छा सा खेल है, पता है? चलो फिर खेलते हैं। हाँ, वापस आ गया ट्रंबा के साथ। हमारे पास ट्रंबा के साथ काम करना आपके लिए मुश्किल नहीं है क्या? समझ गया। कोई नहीं, मैं फिर भी कहता हूँ कि हम रात डिनर पे मिलते हैं। अच्छा ठीक है, बाय। क्या मतलब? सारे कस्टमर ले लिए ड्रामा थे? हाँ ऐसा ही है, न्यू प्राइस देकर पूरी मार्केट जमा कर ली है, लेकिन मैं भी मिलूंगा हल्दुन वगैरह से। तुम्हारा कोई और प्लान है? देखता हूँ मेरे भाई, मैं सलाह करता हूँ कुछ। ओके। माफ कीजिएगा, मैं मैडम से मिलना चाह रहा था। मैडम मीटिंग में है। कौन जी? आप कौन? सिनान। सिनान? मेरा पूरा नाम सिनान है। थोड़ा वेट कीजिए यहाँ पे। थोड़ा कलर्स पे ध्यान देना चाहिए हमें, मसलन ये ऊपर वाली साइड ज्यादा लाल है, थोड़ा आंखों को लगता है, हमें इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या हम एक दूसरे को जान सकते हैं? जी। मैं सिनान हूँ। मैं लारा, मिलकर खुशी हुई। मुझे भी मिलकर आपसे बहुत खुशी हुई। मेरे ख्याल से आप टी पार्टी की तैयारी कर रही हैं। जी, आप ज्वाइन करना चाहते हैं? हाँ जरूर, मैं पीना चाहूंगा। वाह जबरदस्त, ये सारी तैयारी आपने की है? जी। जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा देख के। शर्त है यानी? लाल थोड़ा तेज कर दो। अभी थोड़ी देर पहले तो आपने मना किया था। वाकई माफी चाहती हूँ, गलत बोल दिया। वाह वाह, क्या बात है,
तो सीनियर एप्लिक्ची वापस आ गया है। मेरे पीछे तुमने हल्दुन वगैरह से मिलना शुरू कर दिया। हाँ, और दूसरों से भी। आखिर सब अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। अब देखते हैं कि सही रास्ता क्या है। उमर, उनको तुम मुझसे वापस नहीं ले सकते। ऐसा तुम्हें लगता है? तुम गए, ब्रेक दिया, आराम किया तुमने, अच्छा हुआ। हाँ, शुक्रिया। अब तुम फिर से वापस आ गए, वो तूफान दोबारा से लाना चाहते हो क्या? उमर, तुम्हें एक बात बताऊं? बोलो। वो टाइम अलग था, अब तुम दोबारा नहीं कर सकते। तुम्हारे बस की बात नहीं अब। हम देखते हैं डेनिस, देखते हैं। बस तुम हमेशा ऐसा करते हो, बहुत जल्द जोश में आ जाते हो। लेकिन इस बार सिर्फ मजे के लिए, यानी खेल समझकर हरा दूंगा तुम्हें। इंतजार करो। सहता मैडम, लैंडलॉर्ड आए हैं, अगर मीटिंग को थोड़ा ब्रेक दे दें तो। ओके, हम आगे बढ़ रहे हैं, कल न्यू आइडियाज पे काम करेंगे। मैडम, सिनान सर को यहाँ बिठा दिया। हेलो, मैं सिनान हूँ। सीधा ब्रांच है, मैं मुझदे मैडम को एक्सपेक्ट कर रही थी। मैं उनका बेटा हूँ। ओह अच्छा, आइए बैठिए। बहुत शुक्रिया। मैं लास्ट में आपकी मम्मी से डफनी के लिए मिली थी, उन्होंने ही डफनी का रेफरेंस दिया था, मैं उसकी एहसान मंद हूँ। असल में मैंने डायरेक्ट किया था उन्हें, शायद आपको पता नहीं कि डफनी पहले हमारे साथ काम करती थी। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, मैंने डफनी के बारे में बहुत सुना था पैशन में। उसने बताया था आपको? हाँ, उसने बताया कि अच्छा एक्सपीरियंस था उसका। शुक्रिया, हम भी उससे बहुत प्यार करते हैं। तो सीधा मैडम, वैसे मेरे ख्याल में आपने बहुत अच्छा सेटअप किया हुआ है। एक सिचुएशन है। क्या मतलब? अभी आपका एग्रीमेंट पूरा होने वाला है ना, मैंने सोचा कि रिन्यू करवा लेते हैं। क्यों? मैं अपना किराया तो टाइम पर पे कर देती हूँ। जी जी, आपने सही कहा, मतलब सही बात है आपकी। मेरा मतलब है कि ऐसा है कि अभी हमने पैशन को थोड़ा ब्रेक दिया हुआ था, लेकिन अभी हम दोबारा से स्टैंड करना चाहते हैं, तो उसी के आपको लिए जगह की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, समझ गई। क्या कहना चाहते हैं? नहीं हो सकता, कानून मेरे साथ है, मैं नहीं जा सकती। तो मतलब आप रूल्स के हिसाब से चल रही हैं? ऐसे ही है सिनान सर, माइंड मत करना, और हम इस बात को ज्यादा डिस्कस नहीं करें, मैं यही हूं। लेकिन अगर आप चाहें तो ऊपर वाले फ्लोर में शिफ्ट कर सकते हैं, जो भी है आपकी ही जगह है। बदकिस्मती से हमारे लिए काफी नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता।
तुम जा रही हो? हाँ। इतनी जल्दी? मतलब वो, मतलब इसी टाइम पर जाती हो? नहीं नहीं, मतलब मेरा काम खत्म हो गया। अब खत्म हो गया है तो फिर ठीक है, मैं रुक जाती हूँ। नहीं जाती अगर आप कहते हैं। हाँ रुक जाओ, एक जरूरी काम है, उसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। बेशक बेशक। हाँ मैं वो सुन रही हूँ आपको। ये बताओ खाना खाया तुमने, और यहाँ अच्छा खाना क्या मिलता है? यार वो यहाँ पर ना एक शौरमा वाला है, बहुत ही अच्छा शौरमा बनाता है, लेकिन आप। हाँ कोई मसला नहीं है, मैं भी वहीं से खा लूंगा। तुम खाओगी? हो सकता है। तो चलो फिर। हाँ हूँ तो चले खाते हैं फिर। रुको मैं लेता हूँ, लो पहनो। अरे वो नहीं नहीं, मैं खुद पहन लूंगी ना। पहनो इसे। चलो आओ जल्दी आओ। उसनु भाई काम कैसा चल रहा है? बहुत हल्का जा रहा है, लोग आते ही नहीं। क्या हल्का यार, मैं तो यहाँ कितने लोगों को भेजती हूँ। वो तो मुझे पता है बेटा, तुम्हारे लिए क्या बनाऊँ? प्याज का? प्याज? हाँ हाँ जरूर, उसके बगैर मजा नहीं आएगा। लेकिन अभी हम लोग काम करेंगे ना, मैंने सोचा प्याज खाएंगे, अजीब सा लगेगा। अरे मुझे तुम्हें कौन सी किस करनी है यार। चलें उसनु भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। वो जो तुम्हारे साथ काम करता है उसका नाम क्या है? नियाजी। हाँ नियाजी, उसे निकाल दें क्या? लेकिन क्यों? शायद काम नहीं करता वो, और शायद डिस्टर्ब भी बहुत करता है। हाँ मतलब ऐसा ही है, लेकिन उसे अभी कॉल मिलाओ। हाँ हेलो नियाजी, मैं आमिर बात कर रहा हूँ, नेट्रो कंपनी से। हमारे यहाँ काम करोगे तुम? ठीक है कल से आ जाना। गुड लक, ख्याल रखना अपना। इस कंपनी का मालिक मेरा पुराना दोस्त रह चुका है, बहुत ही कमीना है। अब ये वहाँ जाके उनके सरकदर बनेगा। उसको भी शायद काम की ज़रूरत हो, बेरोजगार घूम रहा हो। बहुत शुक्रिया उमर, तुम्हें देख के बहुत खुशी हुई यार। लेकिन जैसे मैंने तुम्हें बताया था, तुम्हारे हमारे बीच का प्राइस डिफरेंस बहुत ज्यादा। तुम्हारा काम मार्केट में वैसे भी हाई लेवल का होता है। ये हमारी क्वालिटी के साथ सेम रेशियो में है। वाकई? पहले हमने ट्रांबा के साथ काम किया था, उसकी क्वालिटी भी अच्छी थी पर तुम्हारे जैसी नहीं, लेकिन हमें फायदा भी हुआ था थोड़ा। ठीक है ऐसा करते हैं, तुम वापस आओ और अपने वकार को कैचअप करो। यानी मैं डेनिस की तरह प्राइस ब्रेक नहीं करूंगा, नहीं करूंगा ऐसा। ये हमारे काम की रिस्पेक्ट से रिलेटेड है, लेकिन तुम्हारे लिए फिर भी मैं स्टार बनूंगा। पैशंस में वापस आओगे? मतलब मुश्किल फैसला है, मुझे नहीं पता क्या इंप्रेस कर रहे हो। इंप्रेस होना ठीक है, अपने ग्लास ले जाओ। बहुत शुक्रिया, आपकी इजाजत से। इसका नाम क्या होगा? सेकंड चांस, क्या लेते हैं? क्या बात है उमर,
सालों बाद ऐसा डिजाइन हमने देखा है। जानते हो, तुमने मुझे इंप्रेस कर ही दिया आखिर। एक्सक्यूज मी, क्या ये टेबल मैं खरीद सकता हूँ? वो नहीं मान रहे और ऑफिस छोड़ दी कि ऐसा लग भी नहीं रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा, अजीब सी लड़की है। लड़की है ना इसलिए। खैर, मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम खर्चे में काम शुरू किया जाए। ऑफिस के बगैर पहले हम काम शुरू कर लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे। क्या कहते हो, क्या हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट हो जाएं? लॉजिस्टिक, मैं नहीं जानता कि उसमें काम होगा या नहीं। मुझे क्या पता, हमें मैजिकली कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हम कर लेंगे सिनान, ऐसा कुछ नहीं जो ना किया हो। और हाँ, वो भी तो है। क्या? मैंने तुमसे वो उसके बारे में पूछा था ना। सिनान, अगर ज्यादा ना बढ़ाओ तो डेफनी को, वो क्या कर रही है तुम जानना चाहते हो? मुझे नहीं जानना है सिनान, हम कर चुके हैं बात पहले। मैं खुद ही सिचुएशन को हल कर लूंगा, अभी अगर ना छेड़ें तो सही रहेगा। अच्छा है, ओके, तुम जानो, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो क्या करें आप? ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट हो रहे हैं, बाद में लॉजिस्टिक के लिए करीब में ही कोई जगह देखकर फिर शिफ्ट कर लेंगे। तो शुरू करते हैं फिर। हाँ, हम शुरू कर रहे हैं। अजीब तरीके से ग्रो कर रहे हैं। मैडम बहुत ज्यादा अकलमंद है यार, बहुत, उफ, बहुत अकलमंद। मतलब कि ना पता ही नहीं चलता, एकदम से आके ना एक ऐसा बड़ा सरप्राइज दे देती हैं, सब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। उफ यार डेफनी, मुझे तो लगता है तुमने अपने काम पे बहुत ज्यादा ही ध्यान दे दिया है। इतना ध्यान मत दो, जल्दी ऊपर चली जाओगी। यार वो है ना, हम लोग ना अजीब तरीके से ग्रो कर रहे हैं। मतलब हम काम करते हैं? हाँ मेरी जान, काम करना जरूरी है। ये बताओ, तुम्हारे दूसरे काम हो गए क्या? और हाँ, वो हुआ, वो हमारे ऑफिस में ना नया सीईओ आया यार। अरे क्या ऐसे क्या कर रहे हो तुम? हाँ बदतमीज लग रहे हो, बिल्कुल भी ऐसे नहीं बोला करो। ऑफिस में बस सीईओ आया है, जरा उसकी तरफ तो देखो। क्या हाल है भाई? ठीक हूँ मैं डेफनी, तुम कैसी हो? हाँ मैं ठीक। आओ ना यार हमारे यहाँ, कभी पूछ रही थी नानी भी तुम्हारा। जरूर जरूर, शाम में तुम्हारे घर जरूर आऊंगी, पेस्ट्रीज भी लाऊंगी। आपको पसंद है? ओह बहुत ज्यादा भाई। तो आप भी आ जाइएगा, वहीं पर बैठ के खाएंगे। हाँ मैं समझ गया, जैसे आखिरी बॉल पे छक्का मारते हैं। खैर कोई बात नहीं। नहीं नहीं, आप शर्मिंदा कर रहे हैं। ठीक है फिर, तो मुझे अभी चलना चाहिए, शाम में मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर शाम को। अल्लाह हाफिज़। यार कितनी अच्छी लड़की है ना, कसम से। इस्माइल इसको देख लो ना यार। क्या क्या मतलब इसको देख लो? यार मतलब हमारा छोटा सा मोहल्ला है, इसको देख लो ना यार। मैं सेटिंग करवा दूंगी तुम दोनों की, बता रही हूँ। अरे यार लोग मोहल्ले में ही तो लड़कियाँ देखते हैं ना, अच्छे से मिल जाती हैं लड़कियाँ। और वैसे भी कितनी अच्छी लड़की है, बहुत ही अच्छा गुजारा होगा देखना तुम। कर ही दिल बाग बाग हो जाता है कसम से। हाँ मुझे तो इतनी कोई खास नहीं लगी। शोर हूँ, आई होगी बिल्कुल। हाय अल्लाह, चलो मैं आकर देखती हूँ यार, अभी ऑफिस जा रही हूँ, ठीक है ना? चलो आके बताती हूँ।
यार ऐसे थोड़ी होता है ना काम। मैंने कह दिया है आ जाएगी ईमेल। हाँ हाँ चलो सही है। ये देखिए ये आमिर सर के रूम में जाएगा। एक सेकंड यार, भूलना मत गिर ना जाएगी। अच्छा हाँ एक मिनट एक्सक्यूज मी यार, मैं इसको कैसे लेकर जाऊँ? अजीब आदमी हो पागल। हाँ माफ कीजिएगा बात करें, क्या कह रही थी? लॉक कर दिया मुझे। नहीं नहीं मेरी जान, मतलब उसकी आवाज नहीं है बिल्कुल भी। हाँ उसकी आवाज नहीं हो ही नहीं सकती। उसकी आवाज कहाँ से आ गई? क्या हो गया यार? मुझे भी सेम आवाज हो सकती है। डेफनी? हाँ जी मैडम। तुम्हारे लोग ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। मेरे वाले कौन? सुबह यहाँ आकर लॉजिस्टिक वगैरह देखा उन्होंने और अब यहाँ आ गए ये लोग। मैं वो पेंटिंग रखने गई थी वहां रूम में। चलो ठीक है मैं देखती हूँ। हाँ ओके मैं आती हूँ। कौन है? मेरी चाय है, पीना नहीं इसे। मैं नहीं पी रही। क्या कर रही हो? मैं कुछ नहीं कर रही। मैं काम कर रही हूँ। हाँ करती रहो। तुम्हें भी निकाल दूँ क्या? क्या निट्रो चली जाओ तुम भी। लेकिन मतलब मजाक कर रहा हूँ, रिलैक्स हो जाओ। स्मेल तुमसे आ रही है? स्मेल? खुशबू अच्छी आ रही है। शायद शैंपू की आ रही है। हाँ शैंपू है। वो फ्रेम उठा के वहाँ रख दो। क्या कह रहे हैं उस्ताद? देख रहा हूँ सुबह से तुम ठंडी ठंडी आहें भर रहे हो, क्या बात है?
नहीं उस्ताद, हमारे यहाँ कैसी हवा चलेगी? मैं खुश्क साली का इंसान हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता। क्यों ऐसा बोल रहे हो? हमेशा ऐसा नहीं चलेगा। तुम देखना, फिर से इस सूखी ज़मीन पे बारिश ज़रूर होगी इंशाल्लाह। क्यों होगी ना, क्या लगता है तुम्हें? मुश्किल काम है उस्ताद, और अगर मेरी बात हो तो फिर तो और भी मुश्किल है। वैसे मेरे ख्याल से अब कुछ होना भी नहीं चाहिए। तुम हमेशा इतना गलत क्यों सोचते हो? सोच हमेशा अच्छी रखोगे तो अच्छा ही होगा। उस्ताद मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बनाता हूँ, पी के मज़ा आ जाएगा। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। लॉजिस्टिक देखा तुमने? हाँ मैंने देखा, लेकिन हमारे लिए काफी नहीं है। तुमने देखा या नहीं? हाँ देखा मैंने सिनान। क्या देखा तुमने? सिनान क्या देखूंगा, जगह देखी है, काफी नहीं है क्या? वो लॉजिस्टिक के बाद तुमने देखा वहां पर? नहीं, क्यों? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था यार। मैं अपना पैर नीचे भूल गया। तो जाओ, दोबारा नीचे जाओ, मैं बोल दूंगा कोई ले। जा कर लो आप। तुम सिनान तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, क्यों? अच्छा है, अल्लाह ने किया थे। सुबह सुबह तुम देखो। हाँ अभी तो तुम चैलेंज कर रहे हो मुझे, तुम जाकर देखो तो जरा। नहीं मेरी जान, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो है, वो, ये कैसे हो सकता है यार? बिल्कुल नहीं हो सकता। या फिर क्या पता कि कोई और हो। हाँ कोई और भी तो हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कोई और नाम का भी तो हो सकता है ना बंदा। नहीं ये वही हो सकता है, उजले में विचम होगा। हाँ हाँ हाँ, उजले में विचम। उंदरेपेक, क्या ये कैसा प्लान किया है? हाँ बस यही प्लान किया है मैंने। ओह मैंने हर चीज उसे समझा दी, अब मैं रिलैक्स्ड हूँ। मतलब मैं और क्या कर, हमारी सारी दौलत सारा पैसा क्या डेफनी का हो जाए, उसको मिल जाए सब कुछ। कितना अच्छा फील कर रही हूँ मैं, इस्तांबुल की हवाओं में उड़ रही हूँ। और जब बाबा जान मरहूम हो जाएंगे इंशाल्लाह, फिर उसके बाद मुझे और भी ज्यादा जोश आ जाएगा।
अब देखो ना, एकदम से सारी जायदाद डेफनी के नाम करके जा रहे हैं कि कैसा बम फाड़ दिया उन्होंने हमारे सर पर। हाय, यानी वो सूख की लड़की अब अमीर हो गई है। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं मेरी जान, सूख की लड़की बहुत स्वीट है, बहुत प्यारी है, यानी यूं समझो कि मुझे उससे प्यार हो गया है अब। मत प्यार करो मेरी जान, अभी वो अमीर नहीं है। मतलब अब वो बाबा जान के मरने के बाद ही अमीर होगी। उसको तो मरना ही है, मैं अभी से प्यार करना शुरू कर देता हूँ, समझो कि इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। हाय, उसका इंस्टाग्राम तो देख लूँ क्या हो रहा है आजकल। पहले मैं फॉलो करूंगा, फिर वो फॉलो करेगी मुझे। रुक जाओ जान, पहले पिक्चर लाइक कर देता हूँ उसकी, उसके नीचे कमेंट्स कर देता हूँ मेरी बहन के लिए। अरे रुक जाओ कोरेश, अभी हम यहाँ पे कुछ बात कर रहे हैं। अरे मेरी जान, मेरी बात तो सुनो तुम, आमिर और उसका कपल बहुत अच्छा लगेगा, कम से कम 5 बच्चे होंगे। अरे कितने प्यारे से बच्चे होंगे वो, मेरे ख्याल से ये काम जबरदस्त हो जाएगा, और आमिर भी तो लड़कियों को पसंद करता है। अरे सूखी लड़की की किस्मत तो देखो, पहले उमर अब आमिर। हाँ अच्छा, तो मेरी एक बात सुनो, मैंने आमिर को उमर के बारे में कुछ नहीं बताया। क्या यानी कि एक और स्कैंडल है ना लड़की? अरे मैंने इसलिए नहीं बताया कि हो सकता है सुनने के बाद वो ऐसा कुछ भी ना करे, बोलता कि मेरे कजन की एक्स फियांसी है, इसलिए नहीं बताया। हाय हाय नेहरू, तुम्हें एक बात बताता हूँ मैं, साजिश करने में तुम एक नंबर हो, लेकिन बेचारा उमर तो इटली में है, अब आमिर डेफनी को पसंद करेगा। हाय कंपनी इस तरह तुम्हारे पास रहेगी। हाय जबरदस्त प्लान है मेरी जान, हम लोग अमीर हो जाएंगे। सही कहा, लेकिन देखो तुमने अभी उमर की बात की तो मेरे दिल में हलचल सी मच गई। हाय मैं बहुत मिस करती हूँ उमर को, और वो गुस्सा है हमसे, ठीक भी है, वो अंदर से मुझे बहुत दुख होता है। हाँ लड़की, अब हम क्या करें, क्या होगा हमारा? अरे क्या होगा डार्लिंग, डेफनी को किराए की मोहब्बत के लिए तैयार किया और सब कुछ खुद ही मिस कर दिया, क्योंकि हम कब जानते थे कि उसको सच्ची मोहब्बत हो जाएगी। हाय उस आशिक उमर को तो मैं हर दिन याद करती हूँ। हाय अगर उमर की याद आती तो तुम कॉल कर लेती ना उससे। माइंड मत करना नेहरू, तुम थोड़ी सी बेवफा हो, बस ऐसे ही हो तुम। कोरिश कैसी बात की तुमने, मैं उसको क्यों नहीं कॉल करती, मैंने बहुत कॉल्स की लेकिन उसने सारे फोन नंबर्स अपने चेंज कर दिए, उसने खुद को हम सब से दूर कर लिया। अरे मेरा प्यारा उमर, मैं उसे बहुत मिस करती हूँ, और सॉरी बोलने की मोहलत भी नहीं मिली मुझे। हाय मिलता तो मैं भी उससे माफ़ी मांग लेता, सच में मुझे उमर की बहुत याद आती है। हाय उसका प्यारा सा स्टाइल, उसकी काली सी आंखें, कितना अच्छा इंसान था, कितना प्यारा सा दिल था उसका। आई, हम अच्छे इंसान है ना कोरिश? वो तो है, हम अच्छे इंसान हैं। लेकिन क्या हुआ पता है कोरिश, नजर लग गई है हमें, वो इप्लिकची वाला मजा सब खो गया, सब का सब, स्पेशलिटी खत्म हो गई और डिस्टेंस आ गया हमारे बीच। हाय बस हमारा उमर लौट आए बस। हाय इस किस्मत ने तो मुझे अंदर से हिला कर रख दिया, हाय मेरी हालत बुरी कर दी तुमने। हाय ऐसी हालत में मैं सेल्फी भी नहीं ले सकता, कम से कम सेल्फी लेकर अपने दुश्मनों को आग तो लगा दें हम लोग। चलो करते, चलो आ जाओ मेरी जान, चलो। एक मिनट।